सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, आई एम मलिष्का। गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए बहुत स्पेशल गेस्ट है। ये शख्स हमारे रेगुलर लिसनर है और मुझे बार बार ट्वीट करते रहते हैं। इन्होंने मुझे रिसेंटली बहुत बार ट्वीट करके बोला कि अपने लिसनर्स को ये बोलना कि गर्मी शुरू हो गई है, ऐसे में बर्ड्स के लिए खिड़की या बालकनी में पानी भर के रखना जरूरी है। तो आई जस्ट डिसाइडेड टू इनवाइट हिम इनटू द स्टूडियो, मास्क के साथ बैठे हुए केतन नरथानी। माय केतन, गुड मॉर्निंग। हाय मलिष्का, हाउ इज योर डे गोइंग? यू फॉरगेट अबाउट माय डे, तुम्हें कैसे फील हो रहा है यहां पर आके? बिकॉज़ यू कीप ट्वीटिंग एट मी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम बीइंग विद मुंबई की रानी, इज ऑब्वियसली अ बिग टास्क टू रीच हियर। ये चुपड़ी बातें मत करो, मुझसे सच बताओ, व्हाट डज इट फील लाइक? मुझे अंतरात्मा से बात चाहिए आपकी कि यहां पर आकर आपको कैसा लगा। दो दिन से आपसे सुन रहा हूं कि ग्रीन्स होना चाहिए सब जगह मुंबई में, तो कल सडनली मैं घर पे बैठा था और ऐसे मैं खिड़की पे बैठा था मेरे गार्डन के यहाँ पर, और सडनली स्पैरोज आ गई। तो मैं देखा इतनी गर्मी है बाहर, उनको भी पानी चाहिए, सब चाहिए। तो मैंने ऐसे ही वीडियो निकाला, वो नहा रही थी मस्त। मतलब आपको शेयर करूँ, आप भी अपने लिसनर्स को बताओ कि मुंबई में अभी इतनी गर्मी बढ़ गई है। Yeah, that's what I like, you know, about this radio show. One of the things केतन ने मुझे बताया कि गर्मी हो गई, प्लीज अपने लिसनर्स को बताओ कि स्पैरोज के लिए आप बाहर बाथ्स रखें, बर्ड फीडर्स रखें, जो मेरे पास बहुत हुआ करते थे, मगर कौवे और पिजन्स ने मिलकर उनकी हालत खराब कर दी है। बट आई डोंट माइंड माय स्पैरोज टेकिंग अ बाथ इन माय बालकनी। वेल, यू वोंट बिलीव, आई गेट स्पैरोज, स्क्विरल्स, and I even get birds like red-banded bulbuls as well. नहाने आती हैं ये सारी? नहाने नहीं आती, खाने आती है। अच्छा, पर नहाने भी आती हैं? नानी स्पैरोज आती है सिर्फ। Oh my God, it's so cute. Can you imagine? But tell me, Ketan, it's not just this bird feeder because of which you're here. बहुत समय से you're doing stuff for Mother Nature, for environment. Yeah. So what all do you do? I think you have a lovely balcony and बहुत सारे पेड़ पौधे ना, मैं जब भी तुम्हारे photos देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है। Well, I have almost, you can say, 20 plants. Huh. But still, I don't feel like the space is still empty. I need to add more. So you are a proper nature warrior. That's what we all need to do, because if we add more greens, we will survive more. That's what my funda is. So you decided to compensate by what all do you do for Mother Nature? For Mother Nature, well, I keep planting trees. Hmm. एक ये चीज़ है। फिर बर्ड्स और एनिमल्स को मैं हेल्प करता हूँ, जैसे पानी पिलाना है, खाना खिलाना है। केतन, इट्स अमेजिंग द स्टफ यू आर डूइंग। इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू टेल द सिटी राइट नाउ, स्पेसिफिकली जहाँ पर आप उनकी मदद चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये शहर के जहन में अपार्ट फ्रॉम कोरोना घूमना जरूरी है टू थिंक अबाउट? यू प्रोबेबली आर डूइंग वन स्टेप अहेड, बट वेयर कैन दे हेल्प? वेल, द फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट एंड स्पीक अप फॉर नेचर, दैट्स द मेन पार्ट। इफ यू डू नॉट डू इट राइट नाउ, it's already late, but if you don't do it, it will be like a part like we won't be able to stop the nature's fury. Was such a pleasure having you here. Thank you so much, Ketan. I'm sure aapki baatein sunkar Mumbaikars will start doing their small bits towards Mother Nature. Maine to apne balcony mein already laga diya hai bhai, ye bird feeder aur ye pani ka bowl. I cannot wait to see little birds come to the window, and you will feel the same way. बहुत सिंपल है गाइस, जैसे हमें गर्मी से परेशानी होती है, इन बर्ड्स को भी होती है। दे लिटरली फॉल आउट ऑफ द स्काई। इज दैट समथिंग यू वांट टू सी? तो थोड़े एफर्ट के साथ हम उनकी मदद कर सकते हैं टू डील विद द हीट। स्टे ट्यून्ड टू मॉर्निंग नंबर वन, एंड इफ यू हैव समथिंग टू शेयर, या फिर अगर आप ये बर्ड फीडर्स खरीदना चाहते हो, यू कैन ट्वीट टू मी ऑन माय मलिष्का। बजाते रहो।